डीयू के नॉर्थ कैंपस स्थित लॉ सेंटर 2 में एनएसयूआई से डूसू में संयुक्त सचिव प्रत्याशी लोकेश चौधरी ने अपने साथियों के साथ हंगामा किया। लोकेश चौधरी ने डीयू के प्रोफेसर से हाथापाई भी की है। प्रोफेसर का नाम अनुपम झा है, वो लॉ फैकल्टी में है। उनकी आज इलेक्शन इंचार्ज के तौर पर ड्यूटी थी, उन्हीं के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना सामने आई है। एनएसयूआई के उम्मीदवार ने हाथापाई की है नॉर्थ कैंपस में। डूसू चुनाव में प्रोफेसर से हाथापाई की खबर और नॉर्थ कैंपस में मतदान के दौरान की यह घटना है। ये बदसलूकी मारपीट हाथापाई की खबर सामने आई, जो इलेक्शन इंचार्ज के तौर पर थे उन्हीं के साथ लॉ फैकल्टी में है अनुपम झा, उनके साथ मारपीट का यह मामला सामने आया है। और देखिए हर साल, चलिए कुमार कुणाल का सीधा हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या ही है पूरा मामला, क्या है इस पर जानकारी? कुणाल, आप देखिए आशुतोष, इस समय चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ का चुनाव चल रहा है, और छात्र संघ के चुनाव में इस बार जो स्थिति है वो ऐसी दिखाई पड़ रही है कि कम वोटिंग हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने बहुत ज्यादा सख्त रुख अख्तियार किया और सख्त रुख के बाद ये हालत हुई है कि कई सारे जो छात्रों के यूनियन है, चाहे वो एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, उन पर सख्ती बढ़ाई गई है, तो इसको लेकर के कई जगहों पर हंगामा भी ऐसा माना जा रहा है क्या कि उनमें उनको भी उन पर भी काफी सख्ती है, पुलिस बल भी काफी मौजूद है। लेकिन बेशक पोस्टर्स पर थोड़ा लगाम लगाया गया हो, लेकिन पैम्पलेट्स हमें बहुत सारी जगहों पर नजर आए। हम बहुत सारी जगहों पर गए हैं जहां पर हमें पैम्पलेट्स दिखाई पड़ रहे हैं कि पैम्पलेट्स अभी भी उड़ाए जा रहे हैं। तो हाईकोर्ट की सख्ती हुई है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, जिस तरीके से डिफेसमेंट किया गया है, शहर की सूरत बिगाड़ी गई है उसको लेकर के, लेकिन इसी वजह से आज जो काउंटिंग होनी थी वो काउंटिंग तो नहीं होगी, लेकिन अब हाईकोर्ट का रुख पर निर्भर करेगा कि कब चुनाव की वोटिंग होती है। चुनाव तो आज संपन्न हो जाएंगे, लेकिन वोटिंग की वोट की काउंटिंग कब होती है उस पर निर्भर करेगा। कुणाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।